गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इसके पहले हम लोग देख चुके थे वैक्सीन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे माइक्रोब्स हमको हेल्प करते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने में, जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसके उपज को बढ़ाने में कैसे माइक्रोब्स हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अभी हम देख रहे हैं वैक्सीन खत्म हो गया था, टीकाकरण कैसे होता है। इसके बाद देखो, देयर आर सम माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिक्स विद द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। द माइक्रोब्स दैट कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। कहा क्या, देखो एक प्लांट हमारे पास है, ठीक है। तो प्लांट किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। तो प्लांट में जो प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन के लिए बेसिकली क्या चाहिए प्लांट को? नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। लेकिन प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकता है। प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। तो फिर इसको नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? तो पहले नाइट्रोजन को बदलना होगा किसमें? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जैसे नाइट्रेट हो गया। तो नाइट्रोजन की कंपाउंड या नाइट्रेट में पहले इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यह जो नाइट्रेट होता है, यह सॉल्युबल इन वाटर, मिट्टी के अंदर जो पानी होगा उसमें यह सॉल्युबल होगा। तो यह घुल के कहां चला जाएगा? सॉइल में। और सॉइल से फिर कहां एब्जॉर्ब होगा? रूट। और रूट से फिर कौन यूज करेगा? प्लांट। फिर प्लांट इसका कहां इस्तेमाल करेगा? प्रोटीन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो देखो कैसे बनता है। अगर बात करेंगे हम, ध्यान से देखना कि अगर प्लांट हमारे पास है तो प्लांट एयर में नाइट्रोजन 78% है। एयर में अगर नाइट्रोजन का बात करेंगे तो कितना है? 78% है। 21% ऑक्सीजन है। तो 78% जो हमारे पास नाइट्रोजन है, बेसिकली यह जो नाइट्रोजन है क्या करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन ही चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन प्लांट एयर से नाइट्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन प्लांट डायरेक्ट ले लेता है एयर से, लेकिन यहाँ से नाइट्रोजन अगर ले लेगा तो इसका यूटिलाइजेशन ही प्रोटीन बनाने में नहीं कर सकता है। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता है, तो पहले नाइट्रोजन से क्या बनाना होगा उसको? नाइट्रोजन कंपाउंड, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्रेट में इसको बदलना होगा। नाइट्रेट जो कि पानी में घुल जाता है, तो वाटर में जब घुल जाएगा तो रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो यही नाइट्रेट उस वाटर के साथ प्लांट में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और तब जब प्लांट के अंदर जाएगा तब प्लांट इसका यूज करेगा प्रोटीन बनाने में। तो कहा कि इस नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलने के लिए कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हेल्प करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जैसे में राइजोबियम हमारे पास है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स किसको कहते हैं? तो वैसे माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में या कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में बदल देते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हमारे लिए यूजफुल हैं, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन नाइट्रेट में नहीं बदलेगा या दूसरे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में नहीं बदलेगा तब तक प्लांट उसका यूज नहीं कर सकता है। और नहीं करेगा तो फिर प्लांट में प्रोटीन का कमी होगा, फिर हमको भी प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन प्लांट यूज करेंगे तो, ठीक है। तो याद रखना, प्रोटीन हेल्प, प्रोटीन बनने में कौन सा कंपाउंड यूज होता है? नाइट्रेट। नाइट्रेट के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलने के लिए जिन माइक्रोब्स का यूज हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। एग्जांपल में याद रखना राइजोबियम। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है कहाँ पे होता है? दलहन जो पौधे होते हैं, लिग्यूमिन जो प्लांट्स होते हैं, उसके रूट नोड्यूल्स में, मतलब रूट जहाँ से ऐसे निकलता है ना, टर्मिनेट होता है, ऐसे निकला रूट, बहुत सारे रूट यहाँ से निकले। तो इन सारे जगहों पे क्या होते हैं? इन सारे जगहों पे रूट नोड्यूल्स पे, जहाँ से रूट निकलता है, टर्मिनेट होता है, उन सारे जगहों पे क्या होते हैं?
हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, और यही सॉइल के अंदर एयर के नाइट्रोजन को किस में बदल लेगा, नाइट्रेट में बदल देगा। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलने वाला बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से जब नाइट्रेट में बदलेगा तभी जाकर सॉइल को क्या मिलेगा, प्रोटीन बनाने के लिए न्यूट्रिएंट मिलेगा, और उससे हमारा जो प्लांट है उसका जो फर्टिलिटी है, हमारे फील्ड का जो यील्ड है, हमारे खेतों की जो उपज है क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जैसे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स में आता है राइजोबियम, तो इन सारे का हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा यूज है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नहीं बदलेगा, तो जो सॉइल का फर्टिलिटी है वह इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रोजन एयर में है लेकिन प्लांट इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, तो इस नाइट्रोजन को बदलना होगा कंपाउंड में नाइट्रोजन के, जैसे कि नाइट्रेट में। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलने के लिए हम जिस माइक्रोब का यूज करते हैं, ठीक है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन से वह किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब यह नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होता है, यह नाइट्रेट सॉइल में रहेगा, सॉइल से कहां जाएगा, रूट, और जब रूट में चला गया तो प्लांट इसका यूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोब से हेल्प करता है। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर में कौन आएगा, राइजोबियम तो आएगा ही, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सर्स के रूप में काम करता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू नाइट, वही बोला राइजोबियम जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब एक दूसरे को, दोनों को हेल्प करता है, तो प्लांट को भी फायदा मिल जाता है और उस बैक्टीरिया माइक्रोब्स को भी हेल्प मिल जाता है। तो राइजोबियम दूसरा हो गया बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा, जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के रूप में काम करता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और इससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। इसके बाद है क्लीन द एनवायरनमेंट, साफ करना, बताया था ना कि जैसे मान लेते हैं कोई डेड एनिमल है या प्लांट है, तो उसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो दो चार दस दिन बीस दिन में क्या होता है, देखते हैं डिकम्पोज, सड़ गल के मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो बेसिकली उसको सड़ाने गलाने वाला, कॉम्प्लेक्स सिंपल बना के मिट्टी में मिलाने वाला कौन होता है, यही माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो जैसे देखते हैं ना कोई जानवर मर गया, उसको फेंक दिया उसके बॉडी को, दस दिन बीस दिन एक महीने में क्या होता है, डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाता है। तो 10-20 दिन या एक महीने के दौरान उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का काम, डिकम्पोज करने का काम, तोड़ने का काम कौन किया, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, ताकि सॉइल में फिर से मिक्स हो जाए, सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगा और हमारे इन्वायरमेंट का जो गंदगी है वह भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। का बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कहा कि जो भी एनिमल या प्लांट डेड है उसके बॉडी को डिकम्पोज कराना किसका काम है, बैक्टीरिया और फंगस का काम है। दीज आर नोन एज डिकम्पोजर्स, तो जो भी डेड प्लांट एनिमल के बॉडी को ब्रेक डाउन करता है, डिकम्पोज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम ही है डिकम्पोज करना, इसमें बैक्टीरिया और फंगस दोनों आता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज नाइट्रेट फॉस्फेट एंड सल्फेट्स आर मिक्स्ड इन द सॉइल एंड आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहा क्या, इसको थोड़ा सा समझ लो कि जब डिकम्पोज करेगा ना, तो डिकम्पोज करेगा तो जो प्लांट एनिमल का बॉडी होता है जनरली इसके अंदर प्लांट, जैसे मान लो डेड प्लांट, ठीक है, डेड प्लांट या एनिमल है मान लेते हैं, तो डेड प्लांट या एनिमल का जो बॉडी होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़कर इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके
सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, इन सब में बदलने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स करता है। अच्छा, भी नाइट्रेट में बदल गया, फॉस्फेट में बदल गया, फिर से प्लांट इसका यूज कर लेगा, सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ेगा, मिट्टी का उपज भी बढ़ेगा, दोनों फायदा होता है। डिकम्पोजर से हमको दो फायदा, एक तो एनवायरनमेंट भी क्लीन हो गया और दूसरा उस जगह के मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वह भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल टूट के नाइट्रेट में फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर मिट्टी में क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो किसी भी डेड बॉडी या डेड प्लांट को कहीं पर अगर हम गाड़ देते हैं तो देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उपज बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। कब? जब यह डेड प्लांट एनिमल डिकम्पोज हो जाएगा तब। तो डिकम्पोजर्स का दो काम, इन्वायरमेंट को क्लीन करना, इसके अलावा हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाना भी है। इसके बाद हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, तो स्टार्ट करेंगे टेस्ट के बाद तुम लोगों को, ठीक है? टेस्ट का तब तक तैयारी करो, उसके बाद टेस्ट जो होगा बता देंगे, जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ तक ही देंगे, अभी तक जहाँ तक पढ़ा दिए, ठीक है? थैंक यू।